हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं न्यू ओवल्टे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है और आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए 6 सरकारी नौकरियों की जानकारी लेकर आए हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब है, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। दोस्तों, सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी होने जा रही है आज के इस वीडियो में। जैसा कि 10वीं क्लास पास से लेकर के 12वीं पास और ग्रेजुएट पास सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जो 6 सरकारी नौकरी की अपडेट लेकर आए हैं, यहां पर 25,000 से प्लस वैकेंसी यहां पर जारी हो चुकी है, 25,000 प्लस जॉब्स यहां पर आ चुकी है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, ठीक है। अप्लाई करने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हम आपको इन वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी देंगे। और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप सभी से शिकायत भी रहती है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी की जानकारी हो, वो भी इस साल 2022 में सरकारी नौकरी पा सके। और दोस्तों, रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाएं, साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 सरकारी नौकरियों के बारे में जिनकी नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 25,000 से प्लस यहां पर वैकेंसी आ चुकी है, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसियां हैं, यानी कि इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। वहीं गाइस, एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है 42 साल तक के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर पाएंगे। आप सभी तक के लिए वैकेंसी यहां पर आ चुकी है। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है कुछ वैकेंसियों के लिए, जिसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, बाकी सभी जानकारी के लिए सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो नंबर वन ऑफिशियल वेबसाइट है वो है tipsworldbus.xyz, यहां पर आप जाकर के वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। वहीं सेकंड नंबर की जो वेबसाइट है वो है neovoltaic.co.in, यहां पर भी आपको डेली बेसिस पे नई वैकेंसी की अपडेट दी जाती है, तो आज ही जानकारी लें और अप्लाई करें। और फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए 6 नई वैकेंसियों की जानकारी लेकर आए हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जारी की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर वन भर्ती की, जिसके लिए अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आज ही अप्लाई कीजिएगा। ये जो नंबर वन वैकेंसी निकाली जा रही है, ये निकाली जा रही है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की तरफ से। दोस्तों, यहां पर जो वैकेंसी जारी की गई है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी जारी की गई है जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के अंदर है, ठीक है। वहीं टोटल वैकेंसी जो है 400 है, 400 यहां पर वैकेंसी जारी हो चुकी है, जिसके लिए केवल आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सैलरी की बात करते हैं तो 40,000 से 1,40,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया की यह वैकेंसी है, किसी भी इंडिया के स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 27 साल है, मिनिमम जो है 18 साल है। आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 1,000 है, एससी एसटी फीमेल के लिए 81 है, पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल फ्री है, पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं, अगर आप बैचलर डिग्री पास है इंजीनियरिंग के अंदर तो आप सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके आवेदन जो है 15 जून से 14 जुलाई तक चलेंगे, 14 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट है, ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों, एक और नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो कि बम्पर वैकेंसी का है आईबीपीएस की तरफ से। जी हां दोस्तों, आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस की तरफ से आ चुकी है बम्पर वैकेंसी। पोस्ट की बात करते हैं तो क्लर्क पीओ की वैकेंसी जारी की गई है। मल्टीपल जॉब से अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, 8,108 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पोस्ट की बात करते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, ऑफिसर की पोस्ट है, लो ऑफिसर की है, मार्केटिंग ऑफिसर की है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट है। कुल मिला के 8,000 से अधिक वैकेंसी यहां पर रिलीज की गई है। अप्लाई केवल आपको फ्रेंड्स ऑनलाइन ही करना होगा, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। बैंक की जॉब है, अलग अलग बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज्यादातर जो बैंक है ग्रामीण बैंक है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका प्री और मेन दो एग्जाम होंगे। सैलरी आपको एज पर रूल्स मिलेगी, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की है, ठीक है। एज लिमिट जो है मिनिमम 18 है, मैक्सिमम जो है 40 साल है। आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं दोस्तों, एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी के लिए 850 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 175 है, पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं दोस्तों, यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आप ग्रेजुएट पास हैं किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस में हो या बीबीटेक हो,
तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके आवेदन जो है 7 जून से 27 जून तक चलेंगे और आपकी जो प्री एग्जाम होंगे अगस्त में होंगे, मेन एग्जाम जो है सितंबर अक्टूबर में होंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों थर्ड नंबर की जो वैकेंसी है वो भी आपके सामने है, यूपी पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से है, गवर्नमेंट जॉब है। यहां पर जो पोस्ट जारी की गई है पंचायत सहायक की है, अकाउंट कम डीईओ की पोस्ट है। कुल मिलाकर 2783 पद यहां पर जारी किए गए हैं जिसके लिए केवल आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा बाय पोस्ट ही। सिलेक्शन प्रोसेस में केवल आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, ना तो आपकी परीक्षा होगी ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। सैलरी आपको 6000 पर मंथ मिलेगी। एज लिमिट जो है मिनिमम 18 है, मैक्सिमम जो है 40 साल है। इस सीमा में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं एप्लीकेशन फीस जो है बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं अगर आप 12th पास है, इंटरमीडिएट पास है, तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन यूपी इंडिया की रहेगी। वहीं दोस्तों इसके आवेदन जो है 18 मई से 28 जून तक चलेंगे, 28 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर की भर्ती की ओर जो निकाली जा रही है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहां पर जो पोस्ट जारी की गई है वो आपके सामने है। ये जो वैकेंसी है 5636 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पर जो पोस्ट है मैकेनिस्ट की है, वेल्डर की है, डीजल मैकेनिक की है, इलेक्ट्रीशियन की है, कारपेंटर की है, प्लम्बर की है, पेंटर की है और भी काफी सारी वैकेंसी है जिसकी डिटेल्स में आप जानकारी हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। और यहां पर अप्लाई केवल आपको फ्रेंड्स ऑनलाइन ही करना होगा। सैलरी आपको एज पर रूल्स मिलेगी जो कि एज पर अप्रेंटिस के रूल्स होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका केवल मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, ना तो आपकी एग्जाम होगी ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। एज लिमिट जो है मिनिमम 15 है, मैक्सिमम जो है 24 साल है। आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को, जैसा कि आप देख सकते हैं एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है। वहीं गाइस अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी के लिए फ्री है। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं 10th क्लास पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो है 1 जून से 30 जून तक चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नई वैकेंसी की जो निकाली जा रही है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जेएसएससी की तरफ से आ चुकी है नई वैकेंसी। यहां पर जो वैकेंसी है लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर की है। 991 पद यहां पर जारी किए गए हैं जिसके लिए केवल आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटर्न एग्जाम, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सैलरी आपको 29,200 से 1,42,400 रुपए पर मंथ मिलेगी। वहीं दोस्तों एज लिमिट जो है मिनिमम 18 है, मैक्सिमम जो है 35 साल है। आईसीयू में छूट है कैंडिडेट्स को। और एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी के लिए 50 है और पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 12th पास और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। आवेदन शुरू हो चुके हैं 20 मई से 19 जून 2022 की लास्ट डेट है। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों आईडीबीआई बैंक की तरफ से भी आ चुकी है नई वैकेंसी। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल वैकेंसी 1544 है। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस में केवल आपका रिटर्न एग्जाम होगा। वहीं दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपको जो सैलरी मिलेगी 29,000 से 34,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की रहेगी। एज लिमिट जो है मिनिमम 20 है, मैक्सिमम जो है 28 साल है। आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जो है सभी कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपए है, एससी एसटी के लिए 200 रुपए है। पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप ग्रेजुएट पास हैं किसी भी विषय के अंतर्गत तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो है 17 जून तक चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों ये थी आज की 6 नई सरकारी नौकरियों की अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके अपने सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा और आपका नाम भी मेंशन कीजिएगा ताकि आपके सिटी के आसपास की नई भर्तियों की जानकारी आपको सबसे पहले दी जा सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।